फ्रेंड्स वेलकम टू नॉलेज मॉल तो आइए लगाते हैं आज मैथ की टेस्ट सीरीज जो कि आपको आने वाली सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे तो चलिए लगाते हैं टेस्ट पहला क्वेश्चन है आपका 1/216 का जो पावर दिया गया है माइनस में है माइनस -2/3 डिवाइडेड बाय दिया गया है 1/27 और इस पे भी पावर -4/3 दिया गया है आपको इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहली बात मैंने शायद uh, एक बार और किसी क्वेश्चन में दिया था ये तो और नहीं भी दिया तो आप ये जान लीजिए कि जब किसी भी uh, डिजिट का कोई पावर माइनस में हो तो उसे प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं इसे प्लट देते हैं तो वन बाय टू हंड्रेड सिक्सटीन है ना इसे टू हंड्रेड सिक्सटीन लिखेंगे और इसकी पावर टू बाय थ्री हो जाएगी डिवाइडेड बाय फिर इसका भी पावर आपका माइनस में है तो इसे लिखेंगे ट्वेंटी सेवन की पावर फोर बाय थ्री ओके अब 216 जो है किसी का स्क्वायर या क्यूब क्या है आपको ये देखना होगा तो सिक्स का यह क्यूब है तो सिक्स का क्यूब होगा और पावर क्या हो जाता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है फिर थ्री का क्यूब हो जाएगा ट्वेंटी सेवन तो थ्री का क्यूब हमने लिखा और यह मल्टीप्लाई हो गया तो ये कट गया हमारा थ्री थ्री कैंसिल सिक्स का स्क्वायर हो गया कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स और डिवाइडेड बाय थ्री पे पावर फोर हुआ इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एटी वन अब आपको इसका मान बताना है तो जब डिवाइड दिया गया हो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं तो नाइन से आप इसे कट कर दीजिए फोर टाइम में और इसे नाइन टाइम में तो हमारा जो आंसर है सॉल्व होने के बाद क्या आ गया फोर बाई नाइन ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा की गति चार किलोमीटर प्रति घंटा है किसी नाव को छह किलोमीटर जाने और फिर पुनः वापस आने में दो घंटे का समय लगता है तो आपको बताना है कि जल में नाव की चाल क्या है धारा की चाल दे दी गई है आपको नाव की चाल निकालनी है समय दिया गया है टोटल जाने आने का और दूरी भी दिया गया है तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल दूरी एक बार जाएगा तो क्या होगा एक्स प्लस वाई धारा के साथ और फिर एक बार वापस आएगा तो एक बार धारा के विपरीत और ये हो जाएगा आपका टोटल टाइम तो डिस्टेंस है फिर हो जाएगा। फोर तो टोटल टाइम कितना दिया गया टू अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका गुणनखंड मेथड से आ जाएगा तो यहां से यहां तक हम जब इक्वेशन लिख लेंगे यहां के बाद आप ना इसे ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि ऑप्शन से हमारा एक्स का मान दो चार छ तीन इन चारों में से किसे हमने आ, किसे हम पुट करेंगे तो हमारा टू आ जाना चाहिए सॉल्व होके तो मैं डायरेक्ट आंसर वाला ऑप्शन रख के आपको चेक कर देती हूँ तो यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में आठ नहीं था तो चूंकि आंसर नहीं था इसीलिए मैंने यहां पे दे दिया है अब यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व करती हूँ डायरेक्ट आंसर वाला ऑप्शन रख के इसके लिए हम आठ रखेंगे यहाँ पे तो सिक्स बाय आठ और चार कितना हो जाएगा यहाँ पे बारह हो जाएगा प्लस सिक्स बाय आठ में से चार अगर जाएगा तो कितना चार हो जाएगा ओके इसे कट करेंगे तो टू टाइम में इसे दो से कट कीजिए तो थ्री बाय टू आ जाएगा यानी वन बाय टू और प्लस थ्री बाय टू एलसीम लीजिएगा तो टू आ जाएगा वन और थ्री कितना हो जाएगा? फोर इसे कट कीजिए तो टू टाइम में कट जाएगा और आपको लाना भी कितना था दो घंटा और दो हमारा आ भी गया यानी कि अकॉर्डिंग टू ये ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एट हो जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कस टेंट तीन मीटर की ऊंचाई तथा बेलनाकार है ठीक है तीन मीटर ऊंचाई है और बेलनाकार है तथा इसके ऊपर संकुआकार है इस यदि इसका व्यास 105 मीटर तथा संकु की तिरक ऊंचाई तिरपन मीटर दी गई है तो आपको बताना है कि उपयोग में किए गए कपड़े का क्षेत्रफल अब यहाँ पे समझिए एक सर्कस टेंट है तीन मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पे तथा नहीं यहाँ पे तक हो जाएगा इतना तक बेलनाकार है यानी मैं पहले फिगर बना देती हूँ आपको देखिए यहां तक ये तीन मीटर की ऊंचाई तक क्या है ये बेलनाकार है ठीक है ये जो हाइट है आपका दिया गया ये तीन मीटर का है ओके और इसके ऊपर संकवाकार बना हुआ है इस तरीके से बना गया है और इसमें कहता है कि इसका जो ब्यास है यानी कि ये इसका ये संकु का बेस और बेलन का बेस दोनों तो एक ही होगा ये इसका ब्यास जो है 105 मीटर है तो त्रिज्या को हम क्या मान सकते हैं 105 सौ बटे दो हम कर सकते हैं उसके बाद इसकी जो तिरक ऊंचाई है यानी शंकु की ये जो तिरक ऊंचाई L का मान कितना दिया गया है 53 मीटर तो आपको बताना है कि टोटल कपड़ा जो इसे टेंट को बनाने में यूज होगा तो कितना होगा आपको वो क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए कपड़े का यूज कहाँ कहाँ होगा एक तो ये बेलनाकार चारों साइड ये आपका सिलेंडर वाला भाग और ये इसका संकुआकार का पृष्ठ क्षेत्रफल ओके okay? तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों को हम ऐड कर देंगे तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है टू पाई आर एच और बेलन का क्या होता है पाई आर एल ओके okay? अब यहां पे आप कॉमन क्या ले सकते हैं पाई आर को कॉमन ले सकते हैं बचेगा यहाँ पे टू एच और यहां क्या बच जाएगा एल पाई का मान 22 बटे सात और आर का मान 105 बटे दो यहाँ पे 2 इन टू का जो मान दिया गया है हाइट जो है इसका कितना दिया गया है तीन ओके okay. और प्लस चूंकि एच यहाँ पे हमने कौन सा लिया है बेलन का लिया है ना तो आपको ये एच लेना है कितना तीन मीटर और प्लस एल का मान कितना दिया गया है फिफ्टी थ्री चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं अब अगर आप इसे कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं आप यहां से दो से कट कर दे यहाँ पे इलेवन टाइम में सेवन से कट कर दे फिफ्टीन टाइम में अब दोनों को अगर गुना करेंगे तो कितना वन सिक्सटी फाइव आ जाएगा इन टू इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिक्स और प्लस फिफ्टी थ्री यानी कि फिफ्टी नाइन हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो नाइन सेवन थ्री फाइव मीटर स्क्वायर आ जाएगा यानी कि टोटल कपड़े का जो क्षेत्रफल निकल गया नौ हजार सात सौ पैंतीस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% की कटौती पर बेचकर 8% लाभ कमाता है का अंक, का अंकित मूल्य के साथ आपको निकालना है देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप डिस्काउंट देते हैं मार्केट प्राइस पे और जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं वो सेलिंग प्राइस पे सॉरी कॉस्ट प्राइस पे तो कॉस्ट प्राइस हो गया और यहाँ पे मार्केट प्राइस हो गया जितने में आपने खरीदा अगर आप आठ परसेंट का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बेचिएगा कितने में एक सौ आठ में और जितना उसका एमआरपी मार्केट प्राइस दिया गया है अगर डिस्काउंट देंगे टेन परसेंट तो बेचेंगे उसे परसेंट में यहां से कट कर दीजिए अब इसे कट कीजिए तो देखिए एक ही बार ये किससे आप कट कर सकते हैं 18 से आप कट कर दीजिए इसे 18 से ये पांच बार में और ये छह बार में आपसे सीपी का रेशियो पूछा गया है तो सीपी के सामने फाइव तो इसका रेशियो फाइव और ये सिक्स हो जाएगा यानी कि कर मूल और अंकित मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा फाइव इज टू सिक्स ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गया यानी कोई स्टूडेंट है उसका अंक होना चाहिए था 98 प्रिंट लेकिन गलती से 108 हो गया अब इस त्रुटि के कारण क्या हुआ कि कक्षा के औसत अंक वन बाय फाइव बढ़ गए तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है तो मान लिया जाए कि छात्रों की कुल संख्या छात्रों की जो संख्या है आपने अगर x माना ओके सबसे पहले यहां देखिए 98 एट लिखाना चाहिए था लेकिन 108 हो गया तो कितना ज्यादा हो गया टेन हो गया ज्यादा ठीक है यही त्रुटि हुई अब देखिए टोटल छात्रों की संख्या x है और औसत अंक जो है बढ़ा कितना वन बाय फाइव तो टोटल वृद्धि कितने की हो गई या त्रुटि तो की बात कहें तो छात्रों की संख्या और गुने औसत और टोटल त्रुटि कितने की हुई है दस की तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मान फिफ्टी यानी कि छात्रों की जो टोटल संख्या है वो पचास ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक सम बहुभुज की नौ भुजाएं हैं तो प्रत्येक प्रत्येकोन कितने के बराबर होगा यानी कितना डिग्री के बराबर होगा तो यहाँ पे देखिए जो भी है सम बहुभुज यानी कि नौ भुजाएं वाली सम का मतलब कि उसकी प्रत्येक भुजा ना इक्वल है और बाह्य भुज जो बनता है जैसे कि मान लिया जाए मैं नौ नहीं कम ही भुजा वाला बना रही हूँ मान लिया जाए ये सम बहुभुज है ये तो छह वाला है तो अगर सम बहुभुज है यानी कि टोटल के टोटल बराबर है इसका बहिष्कोण की अगर बात करें तो सभी क्या होंगे आपस में बराबर भी ही होंगे क्योंकि सम बहुभुज है और ये टोटल बहिष्कोण होता है आपका 360 डिग्री का ओके अगर टोटल 360 डिग्री का होता है तो नौ भुजाएं हैं तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का तो नाइन से हम इसे क्या करेंगे डिवाइड तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री का ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन वह संख्या ज्ञात करें जिसमें कि तेरा से गुना करने पर 180 बढ़ जाता है सबसे पहले तो संख्या मान लीजिए एक्स अब कहता है कि अगर हम x में 13 से गुना करते हैं तो ये जो है 180 बढ़ जाता है तो यानी x प्लस एक 180 हो जाएगा अगर बढ़ जाएगा तो ये हो गया 13x equal to x plus 180 इस x को इस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 12x equal to 180 इसे कट करें तो कितने बार में कटेगा ये 15 टाइम में कटेगा 15 टाइम में कट गया आपसे पूछा गया था कि वह संख्या ज्ञात करें तो संख्या x माना था x का मान कितना आ गया 15 ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पूछताछ ऑफिस में एक यात्री को बताया जाता है कि जो है 25 मिनट पहले जो है विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूटी है यानी ट्रेन 25 मिनट पहले ही विजयवाड़ा के लिए निकल चुकी है जबकि प्रत्येक 50 मिनट बाद एक ट्रेन विजयवाड़ा के लिए छूटती है अगली ट्रेन सुबह साढ़े दस बजे आएगी तो बताना है कि यह सूचना जो है किस समय यात्री को दी गई तो चलिए अब कहता है मान लिया जाए ये एक टाइम है जब वो पूछने गया ऑफिस में ठीक लेकिन यहां आने के बाद उसे पता चला कि 25 मिनट पहले ही यह हो गया 25 मिनट पहले ही ट्रेन जा चुकी थी ओके अब क्या कहता है प्रत्येक पचास मिनट में है ट्रेन ना यानी अब ये यहाँ पे पूछा और पच्चीस मिनट पहले ही ट्रेन जा चुकी थी यानी पचास मिनट में अगर प्रत्येक ट्रेन है तो पच्चीस मिनट के बाद अब ट्रेन आएगी जब पूछा उसके 25 मिनट के बाद ट्रेन आएगी यानी कि इस टाइम में ट्रेन आएगी और ट्रेन ये टाइम कितना होगा साढ़े दस बजे सुबह ओके okay, तो अब आपको जाना है बैक कि की जिस समय सूचना मिली उस समय टाइम क्या हो रहा था तो चूंकि 25 मिनट आगे है ट्रेन और टाइम क्या साढ़े दस बजे तो इसे 25 मिनट बैक आ साढ़े दस बज रहे हैं और अगर हम इसमें 25 मिनट को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दस बजकर पांच मिनट सुबह में ओके okay, तो आ, आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को चार रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ तीन रुपया में बेचने से प्राप्त हानि से दस रुपया अधिक है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा लागत मूल्य को आप एक्स मान लीजिए ओके आप सीपी रहने दीजिए जो भी आपको रखना है अब क्या कहता है चार रुपया में ना तो उसे लाभ हुआ अगर लाभ होगा अगर आपको सीपी मालूम है एसपी मालूम है और लाभ हो रहा है तो आप क्या करेंगे फोर सेवेंटी फाइव माइनस एक्स इतने रुपए का क्या हुआ उसे लाभ और तीन में जब बेचा ना तो उसे हानि हुआ तो हानि कितने रुपए की हुई तो सीपी में क्या करेंगे हम एसपी को माइनस कर देंगे ओके ये हुआ लाभ और ये हुआ हानि जबकि कहता है कि हानि से दस रुपया अधिक है ये चार सौ पचहत्तर रुपया में बेचने पे जो लाभ हुआ वो इतने में बेचने से जो हानि हुई उससे दस रुपया ज्यादा है ये जो है इन दोनों का अंतर कितना है दस रुपये का तो चार सौ पचहत्तर माइनस एक्स

तो आप क्या कीजिए टू एक्स को इस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और टेन को इस साइड करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा आठ सौ इसे कट कर दीजिए तो एक्स का मान कितना आ गया 400 आपसे पूछा गया लागत मूल्य और लागत मूल्य को हमने क्या माना था x और x का मान आ गया 400 तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें धन्यवाद